नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना संकट के बीच देश के अस्पतालों में आग लगने का सिलसिला जारी है। अब गुजरात के भावनगर स्थित जनरशन अस्पताल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग तीसरी मंजिल पर लगी है, जहां आईसीयू बेड थे। जब आग लगी उस वक्त आईसीयू में 70 से ज्यादा मरीज एडमिट थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगते ही सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, इस वजह से किसी मरीज की जान नहीं गई है। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझा लिया गया है। जब अस्पताल में आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आनंद फानंद में मरीजों को बाहर निकाल दिया गया। कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही थे, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बाहर निकाल दिया गया और तुरंत उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जनरेशन अस्पताल की तत्परता से किसी भी मरीज की जान नहीं गई है।